हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दस बिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एचपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2024 वर्ष 2024 में एचपीएससी ने आप सभी के सामने सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। आप ये बात जानते हैं, ठीक है। वैकेंसी आपकी आईटीआई प्रिंसिपल की दो प्रकार के पद है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी 98 है। जिस प्रकार का ये पद है उसमें 98 वैकेंसी बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत बढ़िया वैकेंसी आप सभी के सामने, ठीक है। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोगों ने आई होप इसके बारे में देख रखा होगा। दो तीन स्टेज के अंदर एग्जाम है आपका। पहला तो केवल क्वालिफाइंग टेस्ट जिसे अपन प्रीलिमिनरी टेस्ट कह रहे हैं, फिर दूसरा आपका है आपका मेंस एग्जाम जो आपका रिटर्न होगा और जिसके मार्क्स आपके फाइनली एड होंगे, और फिर आपका इंटरव्यू है। आपकी अगर प्रीलिम्स की बात करो तो प्रीलिम्स की डेट आउट हो चुकी है, ठीक है। जो प्रीलिम्स की डेट है वो है आपकी एग्जाम 14 सितंबर को, ठीक है। अगर आप यहाँ से बात करते हैं तो आपके सामने जो दिन बचे हुए हैं यहाँ से अगर आप काउंट करिएगा तो टोटल लगभग लगभग 50 दिन के आसपास बचे हुए हैं। इन 50 दिन के अंदर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। आप किस तरीके से आगे इस 50 दिन में अपने अपनी तैयारी को करेंगे ताकि आपका इस एग्जाम में 110% सिलेक्शन हो जाए, आज उस रणनीति की हम बात करने वाले हैं। साथ में तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है एकदम बेसिक तरीके से, अगर आप इस जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसे फॉलो करिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस के लिए आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मेंस में भी आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हमारा आज फोकस होगा कि जो 50 दिन बचे हैं इसमें हमको प्रीलिम्स के अंदर किस तरीके से स्कोर करना है और साथ में हमारे कॉन्सेप्ट को कैसे बढ़िया तरीके से स्ट्रांग करना है। तो एकदम शुरुआत से आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप आई होप आप सबने इनके बारे में देख रखा होगा। टोटल पोस्ट आपके 98 जिसमें 7 ग्रुप ए किए और टोटल आपकी 91 ग्रुप बी किए, ठीक है। हम थोड़ा सा बात करना शुरू करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखाऊं, ठीक है, तो आई होप आप सबने इसका सिलेबस देख रखा होगा। टोटल 9 मॉड्यूल यहाँ पे सिलेबस के अंदर, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 0.25 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। और आपको इसके अंदर मिनिमम से मिनिमम 25% स्कोर करना ही करना है, ठीक है, तभी आप इसके अंदर टोटल जितनी वैकेंसी उसका 4 गुना स्प्रेंट जाने वाले हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके, ठीक है। मतलब 392 के अंदर आपको आना है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने करके, ठीक है। ये सारा क्राइटेरिया है। आप समझते हैं थोड़ा सा सिलेबस को। अगर मैं थोड़ा सा और इसके बारे में जनरलाइज वे के अंदर आपको बात करूं तो टोटल अगर 100 नंबर का पेपर है और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और टोटल नंबर आप जो एस्पिरेंट लगभग लगभग 5000 के आसपास जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो कंपटीशन के लेवल थोड़ा सा कम है, तो कितना स्कोर सेफ होगा इस 392 के अंदर आने के लिए, ठीक है, कितना स्कोर सेफ होगा इस 100 में से। तो मैं अगर आप बात करूं जहां पर 25% की मार्किंग भी है, अगर यहां पास आप 50% या 50 से 60% स्कोर करते हैं मोर देन सफिशियंट है, इजिली जो है तो आपका जो है तो ये आपका एग्जाम प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई हो जाएगा 50 से 60%। क्योंकि यहाँ पास समझिए 50 से 60% स्कोर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पास जनरल इंजीनियरिंग है, हो सकता है आप अपनी ब्रांच में बहुत एक्सपर्ट हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पास लोएस्ट कट ऑफ जाने का, क्योंकि नंबर आप एस्पिरेंट्स कम है, 5000 को केवल एस्पिरेंट्स है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी के सभी जॉब वाले एस्पिरेंट हैं तो सभी का उतना समय नहीं कि अच्छे से तैयारी कर पाए और समय कम है, 50 दिन का समय बचा हुआ है। तीसरी बात, सबके पास बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ये 3-4 वजह है जिसकी वजह से इसका कट ऑफ कम जा सकता है, 50 से 60% प्रीलिम्स का कट ऑफ हो सकता है, इससे कम ही रहेगा मैक्सिमम बता रहा हूँ, 60% तो मैक्सिमम ही, इतना तो आपका एमबीपीएससी के अंदर भी नहीं गया था, मतलब 60% मैक्सिमम आप मान सकते हो, इसमें आपका प्रीलिम्स 110% क्वालिफाई हो जाएगा। आपको अगर 100 में से 60 नंबर स्कोर करने हैं प्रीलिम्स के लिए तो ये कैसे आप कर सकते हो? आप तो खैर टारगेट आपका 70 क्योंकि आप सेफ रहना चाहते हो, बट मैं मिनिमम बता रहा हूँ कितने दिन में आप कैसे इस एग्जाम को, क्योंकि प्रीलिम्स आपका कोई मतलब नहीं, आप इसमें 80 नंबर भी ले तो भी आपको जस्ट क्वालिफाई ही करना है, इस 392 के अंदर आना है। बस सेफर साइड के लिए आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो, कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए, थोड़ा सा सिलेबस पे नजर डालते हैं। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो पहला टॉपिक है, पहला मॉड्यूल आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है आपका एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। और तीसरा अगर बात करता हूँ, तीसरा है आपका ठीक है यहाँ पे आएगा, तीसरा आपका स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम के बारे में इनने बात करी हुई। ये 3 मॉड्यूल हैं आपके, 3 मॉड्यूल हैं आपके वोकेशनल के। अगर अपन इसको नंबर वाइज डिवाइड करते हैं तो 100 क्वेश्चन आने हैं टोटल 9 मॉड्यूल से, मतलब आप कह सकते हो कि एक मॉड्यूल से लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। वैसे तो एचपीएससी का एग्जाम है, जनरली फिक्स ही पैटर्न रहेगा, बट आपको अगर मैं टोटल बात करता हूँ जो आपका स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट है जिसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 आते हैं, यहाँ से आपके टोटल 33% देखने को मिलेंगे, ठीक है। 33% का सिलेबस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी सिलेबस में नया नया ऐड हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं ना बहुत मतलब ठीक ठाक लेवल के होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से 33 में से, चूंकि हमने इस बारे में इसमें काम किया हुआ, हमने एमपीपीएससी के अंदर सेम सिलेबस था वहां पर 40 क्वेश्चन आए हुए थे, एक और मॉड्यूल ऐड था एमपी वाला, ठीक है, वहां पर 40 क्वेश्चन आए हुए थे, 40 में से 38 क्वेश्चन एज इट इज जो सर ने हमने पढ़ाया वोकेशनल के अंदर वहां से आ गए थे। मतलब ये समझ सकते हो क्वेश्चन का लेवल उससे बाहर तो नहीं रहने वाला, ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं और बढ़िया लेवल क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ पास 1 लाइनर है। तो अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग। रीजन क्या है इसका? रीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबने पढ़ना है और ये सबके लिए नया भी है और क्वेश्चन यहाँ से ठीक बनते हैं। सबसे पहले अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो 3 मॉड्यूल को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर लीजिए।
कैसे फिनिश कर सकते हो? तो इसके लिए मैं सिंपल से बताऊंगा, कोई बुक इसके लिए आप प्रेफर नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई बुक बनी ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए केवल और केवल हमने बहुत अच्छे से काम किया हुआ था एमपीपीएससी के अंदर, वही हम लेक्चर आपको इसके अंदर अपने चाणक्य बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हो। हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट की चीज जो हमारे पास, वैसे तो 100+ स्टूडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, पर जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपके यहाँ पे एमपी फोकस ज्यादा चीजें, तो देखो यार मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी, जो लेने वाले हैं वो भी, ठीक है। देखिए यहाँ पास आप देखेंगे तो एमपी के अंदर 4 मॉड्यूल थे, जिसमें से 3 मॉड्यूल एज इट इज पिक कर लिया गया है आपके यहाँ पे, ठीक है। 3 मॉड्यूल एज इट इज, एक चौथा मॉड्यूल था एमपी स्पेसिफिक स्कीम्स के बारे में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो स्कीम चल रही है स्किल डेवलपमेंट की, उसके बारे में था। हमने क्या किया, उस 4 मॉड्यूल को जो सर ने पढ़ाया हुआ है, सर थे आपके आईटीआई वर्किंग प्रिंसिपल ही थे जिनने आपको पढ़ाया हुआ था, इसलिए मैं कहता हूं कि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। और ये इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप यहां एक बार मेहनत कर लेते हैं इस 3 मॉड्यूल के अंदर, ये 33% का वेटेज एक बार आपको आगे लेकर के जाएगा मेंस एग्जाम में भी, और यहां से फिर जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखेंगे, अभी अगर आप हल्का फुल्का थोड़ी बहुत कहीं से पढ़ के चले गए, आपका अगर कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर नहीं हो पाया, आप अच्छे से इनकी इनडेप्थ नॉलेज नहीं ले पाए, तो आगे चल करके आप फंस जाएंगे मेंस के अंदर, और आपका रिटर्न निकलना एग्जाम फाइनल सिलेक्शन तो मेंस से ही होना है। इसलिए आपको इसको समझने की आवश्यकता है, अच्छे तरीके से इस पूरे सिस्टम को समझने की आवश्यकता है, इस इकोलॉजी को समझने की आवश्यकता है कि आखिर स्किल डेवलपमेंट काम कर कैसे रहा है, और ये कौन समझा सकता है जो ऑलरेडी वर्किंग प्रिंसिपल हो, जो ऑलरेडी इस काम को कर रहा है, ऑलरेडी जो जो रूल्स बन रहे हैं उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल के अंदर। तो वो आपको यहाँ पास जीके चौधरी सर ने अच्छे से कवर किया हुआ है, हम इसलिए वो लेक्चर को आपको प्रेफर करें, उसको आप जरूर देखिए। रीजन क्या, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और आप अच्छा, किस लोगों को दिक्कत ये हो सकती है, सर आपको वहाँ पास एमपी फोकस है, देखिए समझिए, आपके सिलेबस में और एमपी सिलेबस में सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है, आपके अंदर एक चीज लिखी गई है, ठीक है। उनने क्या एक चीज लिखा हुआ है कि स्टेट स्पेसिफिक स्कीम, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पास उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, सेंट्रल यहाँ पास लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट लाइक क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम्स, ठीक है, बस इनने एक ही चीज का, वेरियस स्कीम, वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लाइक क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। तो जो वेरियस स्कीम्स हैं अलग अलग, अब चूंकि हमने तो एमपी की रिकवरी कवर किया हो, तो एमपी वाला मॉड्यूल तो पूरा अलग है, उसको आप छोड़ दीजिएगा, जो आपका सेंट्रल वाला है वो आपको 100% पढ़ना है, सेंट्रल की स्कीम सेम है, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे एमपी की बात करें। अब बोलते हैं सर आपके अंदर जो हरियाणा की स्कीम कवर नहीं हुई है, 2-3 पॉइंट का अंतर, ये कह सकते हो आप 10-15% का सिलेबस का अंतर है, वो 10-15% का जो सिलेबस का अंतर, उसको हम सेपरेट कवर करवाएंगे, जीके चौधरी सर आपको कवर करेंगे, जिसके अंदर आपका हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन आएगा, आईटीआई का किस प्रकार से, मतलब टोटल आईटीआई कितनी है, वहां के हेड कौन है, वहां के डिप्टी डायरेक्टर कौन है, वो सारी चीज हम कवर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। और साथ में क्या कवर होगा, साथ में आपका कवर होगा स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स, आपकी हरियाणा के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या स्टेट स्कीम चला रखी है, वो हम सेपरेट कवर करवा देंगे। तो इस तरीके से एक तो आपको क्वालिटेड कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, एक ओवरव्यू कंप्लीट कंटेंट का मिल जाएगा, साथ में आपको स्टेट वाली स्कीम हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब आप घबराइए मत कि हम आपको एमपी वाला दे रहे हैं कंटेंट, तो कुछ चीजें आपकी छूट रही हैं, आपका हरियाणा वाला पार्ट छूटेगा, कुछ भी नहीं, 110% हम सब कुछ कवर करवा के देंगे। सर आएंगे वापस, आपकी जो चीजें रह गई हैं वो कवर करवाएंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये चीज हम करवा के देंगे। और इन 3 मॉड्यूल को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बस ये 3 मॉड्यूल हमारे यहाँ से जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत क्वालिटेड कंटेंट हमने इसके लिए बनाया था। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा एग्जाम जहां पर 40 क्वेश्चन आने और 38 क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। तो क्वालिटी हमने दी इसके अंदर, बहुत सारे लोग बस इसी बात से परेशान है कि हरियाणा वाले जो स्कीम्स हैं और हरियाणा का ऑर्गेनाइजेशन कवर नहीं है, क्योंकि एमपी बेस पर बना था। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सेपरेट कवर होगा, ये सेपरेट कवर होगा, ये 8-10 घंटे के लेक्चर अभी आएंगे जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। बाकी जो 90% सिलेबस सेम है उसको पहले कवर कर लीजिए। अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आपके जो 3 पॉइंट हैं जहां से 33% आने, पहले इसको कवर करें। अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं हमारे यहाँ जो आपने वो क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका इजिली 33% मतलब 33 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन इजिली आप यहाँ पास से बना पाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और हमने इसके अंदर 1000 क्वेश्चन का आपको एमसीक्यू भी देना है, ठीक है, वो आप जस्ट 1-2 दिन में अपडेट कर देंगे, 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू। तो आप जो 28-29 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली आपको इनसे भी देखने को मिल जाएंगे, जो हम यहाँ पास 1000 एमसीक्यू देने को मिल रहे हैं, और साथ में थ्योरी तो हमने डिप में पढ़ाई दी, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगी आपके पास प्लस पॉइंट, ये 33% वाला पार्ट। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, 50-60 घंटे का लेक्चर है, 70 घंटे का, इसको आप इजिली बैठ के 10-12 दिन में कवर कर सकते हो। तो 33% सिलेबस 10-12 दिन में फिनिश कर सकते हो इजिली, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपको जैसे आप तैयारी शुरू करिएगा, सबसे पहला पॉइंट होगा आपका स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन को फिनिश करना। फिर दूसरे स्टेप पे क्या है, आपने जनरल इंजीनियरिंग के अंदर, आप बीटेक में फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग सबने पढ़ी होगी, ये सबके लिए कॉमन है। तो आप दूसरी पॉइंट पे इसको कवर करना, क्योंकि यहां से 10 क्वेश्चन आने हैं आपके, 10-11 क्वेश्चन बनेंगे। इसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ईडी वाला पोर्शन हैदर सर ने पढ़ाया, बहुत तगड़ा पढ़ाया है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दोनों पोर्शन, तो आप इजी यहां से 8-10 क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ये वाला पोर्शन को आप फिनिश कर लीजिएगा। तो दो पोर्शन आप इजिली, अगर दोनों के लेक्चर की बात करो तो लगभग 70-80 घंटे का लेक्चर होगा,
ठीक है, और इजिली आप यहाँ से 50 नंबर 45 नंबर के आसपास पढ़ चुके होंगे। 45 में से अगर आपके 40 क्वेश्चन भी बन गए यहाँ से, तो आप 50, 70, 80 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन यहाँ से बना पा रहे हैं। अब चलते हैं, जब ये दो आप पोर्शन कर लिए, समझते जाइए क्रोनोलॉजी कैसे कैसे पढ़ना है। पहले जब आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की अपनी, तो तीन चीजों को फिनिश कीजिएगा। इसके बाद चौथा है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग एंड आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पोर्शन। फिर आपका पांचवा, अब आपके पास अलग अलग ब्रांच आ जाती है, तीन ब्रांच है आपकी, एक तो फंडामेंटल एंड थर्मल साइंस है, एक है आपका बेसिक नॉलेज एंड वर्कशॉप वाला पोर्शन है, एंड नेक्स्ट है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, फिर लास्ट में आपका सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, मतलब तीन ब्रांच है टोटल, अगर बात करूं तो चार ब्रांच में कह सकते हैं। सिविल है, ठीक है, आपका पहला पोर्शन सिविल वाला पोर्शन है, फिर दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन है, मैकेनिकल वाला है, चार ब्रांच है। अब इन्हीं में से चार में से किसी न किसी ब्रांच से आप होंगे, आप जिस ब्रांच से हैं पहले उस ब्रांच को पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए आप मैकेनिकल ब्रांच से, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप मैकेनिकल ब्रांच से, ठीक है, तो आपको सबसे पहले पोर्शन जो फिनिश करना है वो करना है मैकेनिकल वाला। रीजन क्या है, क्योंकि आपने इसको अपने बीटेक के टाइम पे पढ़ रखा है, आपने इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है, तो आप उसकी पकड़ है, बस आपको अगर रिवाइज करना है इसका, या तो आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड देख सकते हैं, या आप इसको नोट से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स हम आपको प्रॉपर प्रिंटेबल फॉर्म पे देते हैं सारे सब्जेक्ट के, तो आप इसको प्रिंट करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो अगली स्टेप होनी चाहिए पढ़ने की, वो आपका खुद का ब्रांच होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ ब्रांच। अगर आप मैकेनिकल से, तो आपके दो चीजें हैं, फर्स्ट फंडामेंटल थर्मल साइंस वाला पोर्शन है, और दूसरा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप साइंस, ये दो है। मतलब यहाँ से आपके 20 से 22 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, आपके मैकेनिकल ब्रांच से। अगर आप, तो ये 20 से 22 क्वेश्चन को पहले फिनिश करना है, ठीक है, इसको आप जैसे फिनिश, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा और आप इसमें अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, आप क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, यार अपनी ब्रांच उसको तो पढ़ ही लेंगे, चलो दूसरी ब्रांच पहले पढ़ते हैं, है मैकेनिकल के पढ़ने चले गए इलेक्ट्रिकल। अब आप इलेक्ट्रिकल में कितना भी सर पटक लीजिए, अगर वहां से 11 क्वेश्चन आने, तो आप यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। रीजन क्या है, यहाँ से आपसे 6 से 7 क्वेश्चन ही बनेंगे, क्यों, क्योंकि आप उतना डेप्थ में नहीं नॉलेज ले सकते दूसरी ब्रांच को, उतनी अच्छी पकड़ आपकी दूसरी ब्रांच में। भाई आप खुद सोचो, ये जनरल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी ब्रांच में ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं कि दूसरी ब्रांच में? भाई जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, वहां बस नंबर गेन करने की कोशिश कीजिए, दूसरे ब्रांच में ज्यादा घुसने की कोशिश मत कीजिए। दूसरे ब्रांच को इतना पढ़िए कि अगर 11 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 7 क्वेश्चन बना पाए, बस 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप नहीं बनेंगे, तो 4 क्वेश्चन के चक्कर में आपको अगर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, और उसकी जगह पर अगर आप अपनी ब्रांच में मेहनत करनी उतनी, तो आप पूरा स्कोर गेन कर जाएंगे। तो दिमाग यही कहता है, नॉलेज यही कहती है कि आपको अपनी ब्रांच में मेहनत करनी चाहिए, सिंपल सा स्ट्रेटजी है। तो आपको करना क्या है, जब आप तीन चीजें कवर कर चुके हो, पहला तो वोकेशनल की तीनों यूनिट, इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला यूनिट, देन आपको जाना है खुद की ब्रांच में। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल पढ़िए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल पढ़िए, सिविल है तो सिविल पढ़िए। जब आपकी ये हो जाए, आपकी खुद की ब्रांच हो जाए, तब जाइएगा दूसरी ब्रांच में। इस तरीके से आप अपना सिलेबस इफिशियंट टाइम पे फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट के साथ समय की बचत होगी, और पहले उन चीजों को फिनिश कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी पहले क्या किया, आपने वोकेशनल को फिनिश कर लिया, ठीक है, फिर वोकेशनल के बाद आपने ईडी मैकेनिक्स को फिनिश कर लिया, फिर आपने सेल्फ ब्रांच कर ली। यहाँ से तीन को ब्रांच अगर बात करूँ, 33 क्वेश्चन यहाँ से आने, 11 क्वेश्चन यहाँ से आने। सेल्फ ब्रांच मान लीजिए मैकेनिकल, तो 22 यहाँ से आ गए, अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सेम है तो वहाँ से 22 आ गए, सिविल है तो 11-12 क्वेश्चन। इसमें भी मैकेनिकल सब्जेक्ट कॉमन हो गए, जैसे आपका कुछ पोर्शन कॉमन हो जाता है सिविल के अंदर, तो मान लीजिए 11-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मान लीजिए आप, तो 33 और 11 44 हो गए, 44 और ये 20 लगाएंगे अगर आप, तो 64 यानी 65 क्वेश्चन टोटल अगर बात करो, 65 से 66 क्वेश्चन आप ये तीन चार अपनी ब्रांच में ये तीन चीजें पढ़ करके। और इसको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं, आप इसको आराम से अगर अच्छे तरीके से मेहनत कर ले, तो 20 से 22 दिन के अंदर इजिली इनको फिनिश कर सकते हैं, वीडियो देख करके, नोट से प्रैक्टिस करके। 20 से 22 दिन में आप 66% सिलेबस फिनिश कर चुके हैं, 66%। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट 15-20 दिन है, इनके एमसीक्यूज जो हमने प्रैक्टिस शीट दे रखी है, एमसीक्यूज खूब दबा के लगाने हैं ये वाले पार्ट में, क्योंकि 66% तो एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखना है। भाई यहाँ से अगर 66 आ रहा है, किसी भी हालत मेरे को 50 क्वेश्चन यहाँ से करने ही करने हैं, एनी हाउ 50 से 55 क्वेश्चन। तो आप 20 से 22 दिन के अंदर 50-55 क्वेश्चन पे गेम खेल चुके हैं, अब इसमें आप सेफ हैं। इसको बस अगले, जब भी आपके पास अगला 20 से 22 दिन है, 25 दिन है, उसके अंदर 1 घंटे निकालकर 1.5 घंटे निकालकर इनके एमसीक्यूज लगाने हैं, और इनके जो भी आपने पढ़ा उसको रिविजन करना है। अब बाकी जो ब्रांच बच गए अगले जो 20 से 22 दिन के अंदर, बाकी छोड़ना उनको भी नहीं है, 20 से 25 दिन जो अगले बचे उनके अंदर आपको नेक्स्ट ब्रांच पढ़नी है। नेक्स्ट ब्रांच का मतलब जो आपकी नहीं है, जैसे आप अगर सिविल से हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल पढ़नी है, मैकेनिकल पढ़नी है, ठीक है, उन ब्रांच को फिनिश करना है और उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस लगाने हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो जो पर्सन होगा 40 में से, अब आपका 40 में सिंपल सा टारगेट है, आपको 40 में से 15 से 20 क्वेश्चन लाने हैं, सिंपल से 50% मानिए, जो अगला पोर्शन है 40 क्वेश्चन का उसमें से आपको 20 क्वेश्चन लेके आने हैं, 15 क्वेश्चन भी आ गए तो बढ़िया है। तो आप ये सोचिए, अगर यहाँ से आपके 20 नंबर आ गए, 55 नंबर आप यहाँ से लेकर के आ ही रहे हैं, 50 से 55, 20 यहाँ से आ गए, 70 से 75 आ गया, कट ऑफ तो आपकी 50 नंबर जाने वाली, सेफ साइड में आप 75 स्कोर लेके आ रहे हैं, कैसे निकलेगा, कैसे रुकेगा आपका एग्जाम, ये बताइए कहाँ से रुकेगा एग्जाम। ये एकदम सबसे बेस्ट है अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने का। बहुत सारे स्टूडेंट ना अपनी ब्रांच छोड़ के दूसरी ब्रांच पढ़ने में लगे रहते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, पहले अपनी फिनिश कर लीजिए, टाइम बचिएगा तब दूसरी ब्रांच में जाइएगा, क्योंकि दूसरी ब्रांच कितना पढ़ लीजिए, अपनी ब्रांच छोड़ देंगे तो अपनी ब्रांच के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, जो कि इजी, जिसको आप 110% 100 क्वेश्चन कर लाए, मतलब पूरे पूरे क्वेश्चन लगा सकते हैं।
ठीक है, तो बढ़िया स्ट्रेटजी है, फॉलो कर लीजिए। पिछली बार भी 30 दिन 40 दिन के अंदर लोगों ने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है पढ़ करके, कैसे, यही स्ट्रेटजी फॉलो की। पहले अपनी ब्रांच पढ़ा, जो स्ट्रांग था उसी मल्टीपल टाइम डिवीजन किया और उसमें से जाकर स्कोर किया। दूसरी ब्रांच में उतना ही एफर्ट लगाया जितना हो सकता था, भाई 50 क्वेश्चन आने, चलो मैं 20-25 क्वेश्चन के लिए लगाऊंगा, पढ़ूंगा सब कुछ, मैं आशा करता हूँ 20-25 क्वेश्चन मेरे यहाँ से बन जाए, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन तो टिक करने नहीं है, लगाने वही क्वेश्चन जो बनने बनेंगे, कितने 20-22 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो उस पर ही फोकस कीजिएगा। ये है कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके लिए। अगर मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर देता हूँ तो करना क्या है आपको, अगर आप यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरी बात, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया पोर्शन है आपके लिए, सबसे पहले क्या कीजिए, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फिनिश करना है वोकेशनल के 3 मॉड्यूल, ठीक है, वोकेशनल के जो 3 मॉड्यूल इसको फिनिश कर लीजिए। सेकेंड पोर्शन है आपका होना चाहिए ईडी एंड मैकेनिक्स वाला पोर्शन फिनिश कर दीजिए, ठीक है, ईडी एंड मैकेनिक्स वाला पोर्शन फिनिश कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 11 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, एंड तीसरा पोर्शन आपकी सेल्फ ब्रांच, ठीक है, आपकी सेल्फ ब्रांच। अब आपकी सेल्फ ब्रांच अगर मैकेनिकल है तो 22 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक तो 22 क्वेश्चन, अगर सिविल है थोड़ी दिक्कत है, 11 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। इन तीनों में से टोटल अगर आप देखें तो 22-22, 33-66 क्वेश्चन होते हैं। अगर इसमें से बहुत अच्छे से आप 20-25 दिन के अंदर मेहनत कर लेते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं, 50 आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट बचेंगे आपके पास 25 दिन, ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास 25 दिन बचेंगे उसके अंदर जो आपको अदर ब्रांचेस पढ़नी है, ठीक है, अदर ब्रांचेस पढ़नी है, अदर ब्रांचेस के अंदर भी अगर टोटल आपके कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 35 क्वेश्चन बच रहे हैं, 35 से 37-38 क्वेश्चन बच रहे हैं, इस 35 में आपकी उम्मीद केवल 20 क्वेश्चन की है, ठीक है, 20 क्वेश्चन, 50 यहाँ से, 20 यहाँ से, 70 का आपका टारगेट है, बहुत है, 110% लिख के ले लीजिए, 70% कट ऑफ नहीं जानी है। जहाँ भी जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहता है कट ऑफ 45-50 के अप्रॉक्स ही रह जाती है, 50 के अप्रॉक्स ही, और यहाँ तो कंपटीशन भी कम है, यहाँ तो बच्चे ही 5,000 हैं भाई, एमपी के अंदर 40,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था तब जाके कट ऑफ 50% गई है, आप ये क्यों बोल रहे हो, 40,000 बच्चों में 50% कट ऑफ है, आपके यहाँ पर तो 5,000 बच्चे ही हैं, तैयारी करने वाले मुश्किल से 500-700 लोग सीरियस हैं, मुश्किल से बता रहा हूँ, उतने भी नहीं है, बहुत हद तक करिए 500-700 लोग जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, इसमें से क्या ही है, 500-700 लोग तैयारी करने वाले हैं, 300 में आने का क्वालिफाई होना है, एग्जाम आराम से हो जाएगा, मुश्किल से मेरे को लग रहा है कि देखिएगा 30-40% 40% में भी कट ऑफ बन जाएगी आपकी प्रीलिम्स की, बट आप सोच के रखिए कि यार हम मेरे को तो बेस्ट देना है अपना, मेरे को सब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मेरा टारगेट प्रीलिम्स है ही नहीं, मेरे को तो मेंस में भी अच्छा करना है, इसलिए मुझे अभी से स्ट्रॉन्ग करने कुछ चीजें, और जो सेम स्ट्रेटजी आपने यहाँ लगाई सेम आपको फॉलो करनी कहाँ पर, रिटर्न एग्जाम में भी, क्यों, क्योंकि आपको देखो भाई वोकेशनल तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वोकेशनल डिसाइडिंग फैक्टर है आपके सिलेक्शन का, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ इसकी इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है आपको, ठीक है। और दूसरी बात है आपका ईडी मैकेनिक्स वाला पोर्शन ये जनरल है, इसके बाद आपकी सेल्फ ब्रांच, आप डिस्क्रिप्टिव पेपर इन्हीं तीन से अच्छे से लिख पाओगे, आप दूसरे ब्रांच के डिस्क्रिप्टिव पेपर बड़ी दिक्कत जाएगी आपको लिखने की, इन तीनों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये आपका लगभग लगभग 60-70% के बीच डिपेंड करेगा, बैच ब्रांच कौन सी है, 60-70% के बीच आपको डिसाइड कर रहा है ये तीनों का पोर्शन, इन तीन पोर्शन में अगर डिस्क्रिप्टिव में आप मेहनत कर गए उतनी मेहनत जितनी आपका अच्छा कन्वेंशनल लिख गए, और अदर ब्रांच के 10-20% भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गए, तो आराम से आपका 70-75% का स्कोर हो जाएगा, 70-75% अगर डिस्क्रिप्टिव में कर रहे हैं वहां भी कट ऑफ आपकी बन जाएगी, तो ये आप करना केवल अभी काम आएगी, बाकी अगर ये स्ट्रेटजी आप बहुत अच्छे से फॉलो कर गए तो मेंस एग्जाम भी आपका नहीं रुकेगा, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 50 दिन बहुत है आपके लिए, तैयारी अभी मौका शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है कंटेंट कहां से मिलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत इसी इस बैच के अंदर एक ही चीज है कि कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पास आए हैं इस रोल के अंदर, हम जनरली काम करते हैं एमपी के लिए, बट हरियाणा में हमारा आने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं, हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट बना हुआ है, क्या वो आपके काम है एक मिनिमम इसके अंदर, हम अगर वो चीज आपको दे सकते हैं, अगर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कुछ, क्योंकि आप यहाँ पास देखें वोकेशनल का कंटेंट की बहुत ज्यादा नीड मार्केट में, और इस समय हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से ज्यादा बेस्ट आपको कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा, खुद आईटीआई प्रिंसिपल सर ने यहाँ पास पढ़ाया हुआ है, आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी आपको, ताकि आपको ना केवल प्रीलिम्स के अंदर बाकी मेंस के अंदर भी काम आएगी। साथ में दूसरी बात, जो और अदर फैकल्टीज वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो आपको जनरल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं अलग अलग ब्रांच करके, तो यहाँ पर हमारा कंटेंट बहुत उम्दा है, हमारी इस बार हरियाणा के अंदर आने की, ठीक है, ताकि इस बार हरियाणा के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा फायदा हो, कंटेंट सेम है, सब कुछ बढ़िया है, और हम इतने नहीं आपको केवल रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दे रहे, साथ में लाइव डाउट सेशंस भी दे रहे हैं, 1 घंटे की डेली लाइव क्लास चल रही है पास, चाहे फिर मैकेनिकल की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे सिविल की हो, किसी न किसी की एक क्लास डेली लाइव चलती है, जिसमें आपको अगर जो पढ़ रहे हैं अगर आप कोई डाउट आ रहा है तो अपने डायरेक्टली आप टीचर से पूछ भी सकते हैं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो तो हम दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि लाइव का टाइम कम बचा हुआ है, 50 दिन का केवल टाइम है, हम चाहते हैं हम जैसी स्ट्रेटजी मैंने बताई वैसे फॉलो कीजिए, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए, टाइम बचाइए, और साथ में लाइव डाउट सेशन का सपोर्ट मिल जाए ताकि अपने डाउट क्लियर कर पाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, भटकावे मत पड़िए, कंटेंट बहुत उम्दा है, और ऐसा कंटेंट जो प्रूवन है, जिससे सिलेक्शन हो चुके हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बेहतर और कुछ हो सकता है, मिल सकता है, सिंपल सी बात कहूंगा, आज अभी एप्लीकेशन के अंदर आप यहां से सिंपल चले जाइएगा गूगल प्ले स्टोर में, वहां से द सिविल पॉइंट आपको सर्च करना है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे सर्च करना है द सिविल पॉइंट, और वहां पर जाकर के
आप चाणक्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है, वहां पास आपको कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा, कोर्सेज पे क्लिक करिएगा तो सबसे टॉप पे एचपीएससी का बैच दिखाई देगा। एचपीएससी पे जाकर के आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल 30% का ऑफ भी है, ठीक है, तो आज आपको अगर आप आज ज्वाइन करिएगा तो गुरु पूर्णिमा स्पेशल जो ऑफर है हमारा, ठीक है, 30% का ऑफ है, तो आप जाएंगे वहां पर तो आपको 30% का ऑफ कूपन कोड दिखाई देगा गुरु 30, ठीक है, गुरु 30 आपको कूपन कोड दिखाएगा, इसको अप्लाई कर दीजिएगा, 30% आपका जो प्राइस वो इंस्टेंट ऑफ हो जाएगा, और बहुत मिनिमम फीस के अंदर 1 साल की वैलिडिटी के साथ जो है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट मिल जाएगा। और इसके अंदर आप जो लोग, मैं एक चीज और लास्ट में भी क्लियर कर देता हूँ, परेशान मत होइए, वोकेशनल के अंदर बहुत सारे लोग को लग रहा है सर हरियाणा की स्कीम आपने नहीं करी आई है, हरियाणा का ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराया है, मुश्किल से 5-7 घंटे की क्लास है, हम करवाएंगे करवाएंगे, और अगर आप देखिएगा टोटल अगर 33 क्वेश्चन आने हैं तो मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे इस वाले पोर्शन से, ये 3 से 4 क्वेश्चन के चक्कर में परेशान मत होइए, हम ये करवा के देंगे और ये क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने देंगे आपका, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है, ये हम वही टीचर करवाएंगे आपके, ये 3 से 4 क्वेश्चन भी हम कवर करवा देंगे, बाकी जो आपके 28-29 क्वेश्चन का कवर हो चुका है उससे अच्छा कंटेंट नहीं बन सकता है, जाइए पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छा समय है सभी हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए, इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता तैयारी का, और जो स्ट्रेटजी हमने आज डिस्कस की उससे अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, ठीक है, तो जाइए लग जाइए, मिलने क्या क्या वाला इस बैच के अंदर एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या मिलेगा, डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे रिकॉर्डेड वे के अंदर, साथ में लाइव सेशन जो आपके डाउट क्लियर करने के लिए होंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास, ये तो हम अभी जो क्लास चल रही है हमारी डाउट सेशन उसके अंदर करवाते हैं, टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स, यहाँ पास सबसे अच्छी बात, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल के पहले मैं प्रिंट आउट कर लूँ सारे नोट्स, तो चाहिए प्रिंट आउट कर लीजिए, सामने रख लीजिए फिर पढ़िए वीडियो लेक्चर को, ये सुविधा आपके पास है, साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल कोई चैप्टर पढ़ लिया, आप चाहते हैं कि मैं इसी के एमसीक्यू लगाना चाहता हूँ, तो आपके सामने प्रैक्टिस सीट अवेलेबल है, जाइए प्रैक्टिस सीट को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट करा के सामने रख लीजिए, इलेक्ट्रिकल का नोट्स रख लिया पढ़ लिया प्रिंट करके, और प्रिंट जो प्रैक्टिस सेट, ये भी मे बी सोल्यूशन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, टोटल 5,000 क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको देखिए डायरेक्टली आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एचपीएससी के अंदर, तो हमने सारी सुविधा आपको दे रखी है, ठीक है, इंटरेक्टिव सेशन तो हम आपको दे ही रहे हैं, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह जो आपके 100 क्वेश्चन है जो आपके प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है, इसका हम आपको टेस्ट सीरीज भी करेंगे एज पर योर, बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी चीजें हम यहाँ पास आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई है, आज स्पेशल 30% का ऑफ भी है, ठीक है, तो बिल्कुल आज का मौका मिस मत कीजिएगा, चले जाइए डेसिबल पॉइंट ऐप के अंदर ज्वाइन करके, और ये बेस्ट टाइम होगा आपकी तैयारी के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर फीस ज्यादा, देखो यार मुझे ऐसा लगता है ना, आप लोग की ऐसी मनसा हो सकती है, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छे कंटेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए आपको रिटर्न कितना बढ़िया मिल रहा है, आपको एक शानदार कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, 8-9 हज़ार रुपये फीस मेरे हिसाब से इस बैच के लिए इतनी शानदार क्वालिटी की ज्यादा नहीं होती, जहां पर आप एक Grade 1 पर जाकर के प्रिंसिपल बनने वाले हो, आपकी सैलरी जाकर वहां से 90,000 रुपये रहने वाली है, आप थोड़ा तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आजकल तो 8-9 हज़ार रुपये का आप कपड़े पहन लेते हो साल भर में, आप समझिए थोड़ा सा दिमाग, लॉजिकल समझिए, आप अपने दिमाग पर इन्वेस्ट कर रहे हो, हमेशा हमारी एक क्या होती है ना, हमारी एक हैबिट है कि हम जहां पर कंटेंट की बात आती है हमारे माइंड में ऐसी चीज बसी हुई कि यार कंटेंट ना ऑनलाइन क्लास की फीस तो 400-500 रुपये होती है, बाबू देखो 400-500 रुपये वो फीस होती है जहां पर आपको क्या बोलते हैं किसी ग्रुप डी लेवल का एग्जाम पढ़ाना हो, ठीक है, जहां पर आपके पास करोड़ों की भीड़ हो वहां पर पढ़ाना हो, वो वाली एग्जाम भी 400-500, वहां पर क्वालिटी वैसे टीचर नहीं आते कि आपको कोई IAS पढ़ा रहा है आगे, यहाँ पर आपको क्वालिटी देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल है, AE है, कोई IAS है, ऐसे टीचर आगे पढ़ा रहे हैं, तो क्वालिटी आप देखिए लेक्चर की, अगर इससे फीस कम करेंगे तो आप समझ सकते हो ये हो जाएगा कि यार आप मतलब फिर वैल्यू नहीं रहेगी टीचर की, या कंटेंट की क्वालिटी नहीं है, समझ रहे हैं, तो आप इस वैल्यू समझिए कंटेंट की, और अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप मेहनत कर जाएंगे इस बार जो स्ट्रेटजी हमने बताई है सिलेक्शन ले जाइएगा, और इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा, है ना, फीस तो आप दोबारा भी पैसे दोबारा कमा सकते हो, पर ये मौका जो हाथ में है आपके, अगर कहीं गलत कंटेंट में आप फंस गए, किसी गलत कंटेंट के चक्कर पड़ गए, तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा, ठीक है, तो आप एक बार सोच लीजिएगा, मैं नहीं कहता आपको, जो एक बार आके देखिए, आप वीडियो देखिए, सभी के डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आप चले जाइए एचपीएससी बैच के अंदर 10 पॉइंट के अंदर, वहां पर आपको प्रॉपर डेमो अवेलेबल है, आप डेमो देखिए, इसके बाद जज कीजिए कंटेंट कितना शानदार है, ठीक है, इसके बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई, फर्दर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो ये हमारे कॉलिंग नंबर से इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, टीम आपको प्रॉपर इन्फॉर्म कर देगी, प्रॉपर गाइड कर देगी कैसे क्या करना है, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।